ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं द डेड मैन अंडरटेकर के बारे में। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि लगातार 21 मैच जीतने के बाद वो ब्रॉक लेसनर से रेसलमेनिया में हार गए थे, लेकिन उनका एक मैच ऐसा भी था रेसलमेनिया 9 में जो बहुत ही अजीब तरीके से था। हालांकि वो उस मैच को जीते तो थे, लेकिन उसका जो नतीजा था वो बहुत ही अलग तरीके से निकला था। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस मैच के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो रेसलमेनिया 9 में अंडरटेकर का मैच बुक था WWE के एक ऐसे जायंट के साथ जिनकी हाइट थी 7 फीट एंड 6 इंचेस, और उनका नाम था गोंजालेस, जो WWE के अभी तक के सबसे टॉलेस्ट रेसलर हैं। तो उस मैच में अपने वेट और अपने साइज के एडवांटेज के कारण वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहे थे अंडरटेकर में। तो मैच इतना खास नहीं था क्योंकि गोंजालेस ही बहुत भारी पड़ रहे थे अंडरटेकर पर, लेकिन उसके बाद गोंजालेस मैच को नहीं जीत पाए थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि अंडरटेकर उस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से जीते थे, क्योंकि गोंजालेस के जो मैनेजर थे वो भी उनके साथ थे और उन्होंने एक कपड़े में क्लोरोफॉर्म लगाकर सुंघा दिया था अंडरटेकर को। उन्होंने अपने मैनेजर से वो कपड़ा लिया जिसमें क्लोरोफॉर्म लगा था और उन्होंने वो सुंघा दिया अंडरटेकर को, जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे और उस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गए थे अंडरटेकर। तो टेक्निकली अगर देखें तो ये एक जीत ही अंडरटेकर की, लेकिन उस मैच में बहुत भारी पड़े थे गोंजालेस। लेकिन कुछ देर बाद अंडरटेकर को जब स्ट्रेचर से ले जाया गया तो फिर वापस आया और उन्होंने उसके बाद जाकर अपना दम दिखाया और थोड़े बहुत पंचेस मारे गोंजालेस को। तो ये अंडरटेकर के अपने रेसलमेनिया के करियर का बहुत ही अजीब मैच था जहाँ पर वो उस मैच को हार कर भी जीत गए थे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, इसके अलावा कमेंट में बताना कि क्या आपको पता था अंडरटेकर का ऐसा ही मैच हुआ था किसी एक रेसलर के साथ। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी WWE की हिंदी अपडेट्स मिल सके। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।